हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज रन कर रहे हैं, वन डे वन टॉपिक की सीरीज, और ऑलरेडी आपके पेपर की डेट्स आ गई हैं। कुछ पेपर जुलाई में होने वाले हैं, कुछ पेपर हमारे अगस्त में होने वाले हैं। सो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था आपकी डिमांड पे, वो था हमारा वेरियंस एनालिसिस पे टॉपिक, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो पार्ट है हमारा बेसिकली। और उसमें हम एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज ऑन कंट्रोल रेशियोज। कंट्रोल रेशियोज मैंने आपको पढ़ाए थे कि एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज मैं आपको कवर कराने वाली हूँ मटीरियल वेरियंस। कौन सा वेरियंस कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स? मटीरियल वेरियंस। ये टॉपिक इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि ये लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूस बेसिस पे पूछा जा रहा है। पिछली बार ये आया है, सिंगल क्वेश्चन आया था, लेकिन 2019 में एक RCI थी जो हमारी 5 क्वेश्चन पे बेस्ड थी इन्हीं वेरियंसेस के ऊपर। तो आज मैं आपको मटेरियल वेरियंस कराने वाली हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा इस टॉपिक के ऊपर। वेरियंस आपको समझ आई क्या होगा, वेरियंस का क्या मतलब होता है? बेसिकली डिफरेंस, डिफरेंस दैट इज डेविएशन, आई कैन से दैट, राइट? कि जैसे कि मैंने माना था फॉर सपोज 90% मेरे नंबर आने चाहिए, बट आए 95, तो डिफरेंस आया ना कितने का आया? 5% का। बट ये डिफरेंस अच्छा हुआ मेरे लिए, अच्छे हुआ, 90% मेरे को मार्क्स लाने थे बट मेरे मार्क्स आ गए 95%। तो ये जो डिफरेंस आया है 5% का, ये मेरा कौन सा वेरियंस हो गया? ये फेवरेबल वेरियंस हो गया, पॉजिटिव वेरियंस हो गया। वाई ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे 90% लाना था वेरियंस मेरा, फॉर सपोज मैंने सोचा था कि 90% मार्क्स आएंगे, बट मेरे मार्क्स 90% नहीं आए। कितने आए मेरे मार्क्स? 80% आए। तो फिर 10% का यहाँ पे जो डिफरेंस आया है, यहाँ पे जो मेरे को 10% का डिफरेंस मिल रहा है, ये डिफरेंस मेरा क्या हो गया? जिससे कि हमारे एग्जाम में मार्क्स ना कटे। मैंने आपको उस दिन भी बताया था न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल मत स्किप करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में तो कभी कभी हम डाउटफुल हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस हिसाब से होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। बट अगर न्यूमेरिकल की केस में मुझे न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पता है एंड आई नो हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देन मेरा वो 2 नंबर जो है ना एक क्वेश्चन के, वो कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, वो नंबर मेरे कोई भी मना नहीं कर सकता, वो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर JRF की कैटेगरी में आना है, अगर हमें कट ऑफ लिस्ट में जाना है, तो आप न्यूमेरिकल पे स्पेशली फोकस डालिए, यही आपको ऊपर लेके जाता है, आपके मार्क्स पक्के करते हैं कि भाई ये मेरे नंबर गलत नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे क्वेश्चन आना है तो मेरे पूरे नंबर आने हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं मटेरियल वेरियंस के अंदर कौन कौन से वेरियंसेस आते हैं, फर्दर वेरियंस कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मटीरियल कॉस्ट वेरियंस। कौन सा वेरियंस आते हैं फ्रेंड्स? मटीरियल कॉस्ट वेरियंस। उसके बाद हम निकालते हैं मटीरियल प्राइस वेरियंस। कौन सा वेरियंस निकलता है फ्रेंड्स? मटेरियल प्राइस वेरियंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस। इसमें और भी वेरियंस होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही कवर कराऊंगी, क्योंकि हमारे पास जैसे कि टाइम भी शॉर्ट है, तो जो भी मेरे इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को कवर कर लेते हैं, जिससे कि पेपर में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो कौन कौन सी चीजें निकाली फ्रेंड्स मैंने? MCV मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस निकाला दैट इज MPV, एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस निकाला दैट इज MQV। फटाफट से चलते हैं और नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन से फॉर्मूले मुझे समझ आने चाहिए, तभी मैं इन क्वेश्चन को अप्लाई कर पाऊंगी। तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, कॉस्ट माने जो खर्चा मैंने माना था, फॉर सपोज मैंने माना था कि भाई मेरी कंपनी में 40,000 का खर्चा लगेगा, ये मैंने क्या मान लिया था? स्टैंडर्ड्स मान लिए थे, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया मेरा? 45,000 हो गया एक्चुअल में। तो ये जो मेरा 5,000 का डिफरेंस है, कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट विल कम अंडर दिस मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। मेरा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। ये आप क्वेश्चन, ये जो डेफिनेशन है ये देख लीजिएगा, मैं आपको सिंपल से फॉर्मूले दिखा रही हूँ और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रही हूँ, मैंने आपके लिए डेफिनेशन मेंशन कर दी। तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस हम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड? SQ into SP, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस,
माइनस ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू हो गई हमारी एक्चुअल क्वांटिटी और ए पी हो गया मेरा एक्चुअल प्राइस, एस क्यू क्या हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस पी क्या हुआ स्टैंडर्ड प्राइस, ए क्यू क्या हुआ एक्चुअल क्वांटिटी, ए पी क्या हुआ एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड जो मैंने मान के चले थे, एक्चुअल जो इन रियलिटी मेरे पास निकल के फिगर्स आए हैं वो। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा एमपीवी का, और एमपीवी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एमपीवी निकालने का फॉर्मूला है मतलब प्राइस में वेरिएंस आ रहा है। मैंने माना कि मेरे को 10 रुपए का वो मटेरियल पड़ जाएगा या 10 रुपए की कॉस्टिंग पड़ जाएगी, बट वो इधर आई कितने की 12 रुपए की। तो ये जो है प्राइस में वेरिएंस आने की वजह से जो है हमारे डिफरेंसेस आते हैं वो बन जाते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, ये मेरा फॉर्मूला था सेकंड जो मुझे इस चीज में पढ़ना है। नेक्स्ट मेरा थर्ड फॉर्मूला, मैं आपको मेन चीजें करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट मेरा फॉर्मूला है इसमें जो मुझे समझना है वो है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मैंने सोचा था कि 10,000 यूनिट्स मेरी रॉ मटेरियल की लगेंगी मेरी फैक्ट्री में, बट लग गई 12,000। तो ये जो वेरिएंस आया, इस वजह से जो वेरिएंस आया वो मेरा हो रहा था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी में फर्क होने की वजह से ये मेरा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को अराइज कर देगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, किससे इंटू करेंगे फ्रेंड्स इसको, एस पी से इंटू करेंगे, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ये मेरा थ्री फॉर्मूले थे, कौन कौन से फॉर्मूले बने, एम सी बी का, मटीरियल कॉस्ट का, मटीरियल प्राइस का, मटीरियल क्वांटिटी का। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको मटीरियल के अंदर ज्ञात करना है। आगे चलती हूँ, अगर मैं इसको चेक करने के बारे में बात करूँ तो चेक करने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होगा, पहले आप तीनों चीज़ों को निकाल लो, जो भी आपके पास तीनों चीज़ें आई उसको ये चेक करके देखो कि जो मेरा प्राइस और क्वांटिटी का जो भी वेरियंस आ रहा है, क्या इन दोनों का सम, ये जो निकालूंगी मैं इन दोनों को अगर प्लस करती हूँ तो क्या वो मेरा कॉस्ट के इक्वल बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर ये चीज नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की। आगे चलते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि वी विल ऑलवेज कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये फ्रेंड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसको बिल्कुल ऐसे दिमाग में रख लीजिए कि इस यही मेरा बेस बनने वाला है। आगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ आएगा कि ये मैंने क्यों आपको लिखवाया है, ये स्पेसिफिक मैंने क्यों लाइन लिखी है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एस क्यू निकालूंगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालूंगी, तो वो किसके बेसिस पे निकालूंगी, फॉर एक्चुअल आउटपुट, की मेरी कंपनी में कितना एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है उसकी बेसिस पे हम एस क्यू निकालते हैं। तो इस चीज को अगर मैं अभी होल्ड पे डालती हूँ, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो इसका और प्रैक्टिकल व्यू दिखा दूंगी। आगे चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत इजी वे में समझा के समझ आ जाएगा मटेरियल वेरिएंस। जब भी आप देखो मटेरियल से रिलेटेड वेरिएंस निकालने, आपको कौन कौन सी चीजें निकालनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या निकालूंगी मैं उस क्वेश्चन में से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। जब भी मेरे को दिख जाएगा क्वेश्चन मटीरियल की बात कर रहा है, मटीरियल वेरिएंस निकालने की बात कर रहा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ो, इन चारों चीजों को नोट डाउन कर लो, नीचे उतार लो इनको पहले फटाफट से, जिससे कि आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना आए सॉल्व करने, ठीक है। चारों वेरिएबल उतारने, फिर मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी के फॉर्मूले लगाने। अब सीधा चलती हूँ फ्रेंड्स, पहले एक क्वेश्चन मैं आपको ये करा दूं, फिर मैं आपको कराऊंगी जो मेरी आरसीआई थी वो वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है तो वो तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं जब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। पहली बात, मैं आपको ये फॉर्मूले लगाने से पहले मैंने आपको बताया मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, चार चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए पहले मैं लिख लेती हूँ, मेरे को एक तो चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसके बाद मैंने को चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी, देन मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स बताइए फटाफट से, एक्चुअल प्राइस, उसके बाद मुझे क्या चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने अभी बोला आपको क्वेश्चन पढ़ के इन चार वेरिएबल्स को नीचे उतारना है, फॉर्मूले में बाद में लगाऊंगा। तो चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। क्वांटिटी ऑफ अ ग्राउंडनट रिक्वायर्ड, क्वांटिटी कितने चीज की रिक्वायर्ड है, मतलब एक यूनिट बनाने की उसे तीन क्वांटिटी लग रही है, एक यूनिट बनाने के लिए मुझे कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ सकती है, मैंने क्या सोचा है 3 केजी की रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है।
आगे देखते हैं प्राइस ऑफ ग्राउंडनट, ये हमारे स्टैंडर्ड्स बता रखे, स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रखा है ना मेरे को, तो ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन बता रखी है वो स्टैंडर्ड की बता रखी है, जो नीचे वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है देखो वो दे रखी है हमें एक्चुअल, राइट। तो पहले मैं देखती हूँ प्राइस ऑफ ग्राउंडनट कितना बता रखा है, 2.5 रुपए। तो एस पी कितना हो गया, 2.5 रुपए हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बता रखा था क्वेश्चन में, 2.5 रुपए बता रखा था। अब बात करती हूँ ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलती है, अभी मैंने आपको बताया कैसे निकलती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं, क्या लिखता है मैंने यहाँ पे एक वर्ड और लिख देती हूँ, चलो मैं आपके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, मैंने अभी बताया था ना ये आपको हाईलाइट करके दिया था। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो कितनी चीजें, कितनी आपको जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की, क्या माना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 kg की जरूरत पड़ती है। और एक्चुअल आउटपुट कितने का हो रहा है आपकी फैक्ट्री के अंदर, कितना एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, देखो एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा आपको दे रखा है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, एक महीने में आपको कितने कितने का प्रोडक्शन कर रहे हो आप, 1000 रुपीज का, 1000 किलो का। तो यहाँ पे अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा कितना आ रहा है, ये 3000 मेरा निकल के आता है, ये मेरा फाइनल SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमेशा जितनी भी आप क्वांटिटी निकालोगे वो एक्चुअल आउटपुट पे निकलती है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से रख लीजिए दिमाग में क्योंकि आगे जाके भी यूज आएगी। अब देखते हैं एक्चुअल में, देखो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, एक्चुअल में कितना यूज किया गया है मेरा मटेरियल, 3500। अब देखो फ्रेंड मैंने माना था कि 3000 लगेगा लेकिन लग कितना गया, 3500 लग गया। अब प्राइस कितना बता रखा है एक्चुअल में, 3, राइट, कितना बता रखा था मुझे, 3। ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन गिवन थी आपको, जो भी मेरे को ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन गिवन थी, यहाँ तक जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी ये स्टैंडर्ड्स की गिवन थी, और नीचे वाली जितनी गिवन थी वो किसकी गिवन थी फ्रेंड्स, एक्चुअल की डेटा इंफॉर्मेशन गिवन था मुझे। तीनों चीजें निकालनी मैंने इस क्वेश्चन में, अब मेरे को देखो क्या निकालना है, MCV निकालना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगा लेती हूँ यहाँ पे MCV का। MCV का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखी है अब आपके पास, ये चारों वैल्यूज निकल के आ गई। SQ कितना था मेरा, 3000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 2.50 से, और इसको कर लीजिए आप, AQ आपके पास है 3500 और APA 3। इसको सॉल्व करो आपको, देखो आपको क्या वैल्यूज मिलती हैं, जल्दी से फाइंड आउट करो आपको कितनी मिलती है, 2.5 को 3000 से इंटू करोगे तो यू विल गेट 7500 और इधर आपको मिलेगा 10500। देन अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू विल गेट 3000। देखो कौन सा साइन बड़ा है फ्रेंड्स, कौन सा नंबर बड़ा है, 10500 बड़ा है, और इसके साथ कौन सा साइन अटैच है, माइनस का। तो ये जो वेरिएंस निकल के आया है, ये निकल के आया है एडवर्स, माइनस का निकल के आया है, और माइनस मैं कैसे शो करती हूँ, ब्रैकेट्स का हेल्प से हम माइनस को शो करते हैं अकाउंट्स में, ये तो हमें बेसिक पता ही है पहले से, ठीक है। तो मेरा MCV कितना आ गया, 3000 आ गया, माइनस का आया, दैट्स व्हाई आई यूज ब्रैकेट्स हियर। अब आगे बढ़ते हैं MPV। MPV का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, MPV का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस AP ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, AQ से। यहाँ पे भी वैल्यूज रख दीजिए आप, 2.50 माइनस 3, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे किससे कर दोगे, 3500। इसे भी सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1750। ये भी मेरे को माइनस का मिलेगा, क्यों मिलेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है, 3 के साथ कौन सा साइन अटैच है, माइनस, तो इसलिए ये भी मेरे को मिला है माइनस में मिला है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, MUV निकालना है, MQV निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, SQ माइनस AQ, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा SP, इसको किससे इंटू करते हैं, SP से इंटू करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, SQ की रख दूंगी मैं 3000 और इसकी वैल्यू है 3500 और SP मेरे पास कितना था, 2.50। इसको भी आप सॉल्व कर लेना, एंड आपको इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, इसको आपको सॉल्व करने के बाद मिलता है 1250। कितना मिलता है फ्रेंड्स मुझे, 1250। ये भी मुझे माइनस का मिला, ये मेरे को क्या मिला, MQV।
अब फ्रेंड मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, क्या ट्रिक थी, मेरा आंसर सही है या नहीं सही है, मैं कैसे चेक करूंगी इसको, एमसीवी को इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखो आप, जो भी आपकी वैल्यू गई, एमसीवी मेरा कितना आया था, 3000 आया था निगेटिव का, है ना, निगेटिव के लिए मैं क्या यूज कर रही थी, ब्रैकेट्स को। अब एमपीवी मेरा कितना आया था, 1750 आया था। अब ये भी मेरा निगेटिव ही था, इसको भी मैंने किस में शो कर दूंगी, मैं ब्रैकेट्स में। अब MQV कितना था मेरे पास, ये कितना था, 1250। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना, इसको सॉल्व करने पे आपको कितना मिलता है, 3000। अब देखो ये भी 3000, इधर वाला पोर्शन भी 3000, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, यहाँ पे मेरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरी LHS जो है मेरी RHS के इक्वल आ रही है, सो माई आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। तो मैंने फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या समझाया, आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले ये चार वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है, उन चार वेरिएबल्स के क्या नाम है, ये चार वेरिएबल कौन कौन से, AP, SP, AQ और SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट, SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो भी आपकी यूनिट रिक्वायर्ड है, जो भी क्वांटिटी पर यूनिट रिक्वायर्ड है, उसे आप इनटू करोगे किससे, एक्चुअल आउटपुट से, कि आपकी कंपनी में कितना एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, देन फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। अब मैं सीधा आपको लेके चलती हूँ आपका जो ये RCIV है ना, उस वाले क्वेश्चन की तरफ, सीधा फटाफट से कर लेते हैं और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में देखो पहले पार्ट में आपको क्या निकालना था, ये MPV निकालना था, हमें क्या निकालना था फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मटीरियल प्राइस वेरिएंस। अब मैंने आपको बताया है चाहे कुछ भी निकालना हो मटीरियल से रिगार्डिंग, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, SQ चाहिए, AQ चाहिए, AP चाहिए, और क्या चाहिए फ्रेंड्स, SP चाहिए, ये चार वेरिएबल चाहिए। बिना देखे मैं पहले ये चार वेरिएबल निकाल लेती हूँ जिससे कि मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए, और SQ के आगे मैं एक वर्ड और लगा लेती हूँ अपने अच्छे के लिए, जो मुझे समझ आ जाता है, फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो भी मेरी कंपनी में एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है उस चीज को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ पर यूनिट से कि कितना मुझे रिक्वायर्ड है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अपने मतलब भर की बातें उठानी है इस क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। देखिए क्या कहता है ये, डायरेक्ट मटेरियल कितना कॉस्ट लग रही है भाई, डायरेक्ट मटेरियल की 5 रुपए, कितनी लग रही है गाइस, 5 रुपए लग रही है। और मैं अगर नीचे आ जाऊं तो मेरे को नहीं बता रखी है कितनी कॉस्ट लग रही है, तो मेरे को निकालनी पड़ जाएगी यहाँ पे कॉस्ट कितनी लग रही है, देख लेते हैं यहाँ पे भी कितनी कॉस्ट लग रही है, तो हमें इजिली समझ आ जाएगा कैसे निकालेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड तो बता रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस ऊपर वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है ना, स्टैंडर्ड्स बता रखी है, और यहाँ पे मुझे एक्चुअल में बता रखी है इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो मुझे SP कितनी पता चल गई, 5 रुपए, ये तो मेरा क्लियर हो गया क्वेश्चन पढ़ के। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए मैं क्या करूँगी, देखो वो क्या कह रहा है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी अलाउड पर यूनिट, अगर मैं एक यूनिट बनाऊँ तो मुझे कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, 100, और एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, देखो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे चलते हैं, क्योंकि इसी से तो मल्टीप्लाई करना है कि आपकी कंपनी में कितना एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है गाइस, 1000 यूनिट्स का मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। तो वापस आ जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ और यहाँ वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखूँ मैं। SQ में देखो कितने चीज़ें हो रही थी, 100 ज़रूरत पड़ी थी एक यूनिट बनाने की, मैंने अपनी कंपनी में कितनी यूनिट बनाई है, 10,000, 1,000 बनाई है, 10,000 बनाई है, आई गॉट कन्फ्यूज, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 1,000 बनाई, तो तभी मैंने कहा कि एक बार ही चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ मैं, 1,0 एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि मेरा अब ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको कितनी मिल सकता है, यहाँ पे आपको मिलेगा 1,00,000, कितना मिल गया मेरे को फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड क्वान्टिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना मिल गया, 1,00,000। अब आपको स्टैंडर्ड प्राइस मैंने बताया था 5 रुपीज़ था, ये मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। अब मेरे को बात आई एक्चुअल निकालने की, अब किसकी बात आती है फ्रेंड्स, एक्चुअल निकालने की, आ जाओ फटाफट से एक्चुअल में आ जाते हैं हम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, कितने का मटेरियल खरीदा है भाई हम लोगों ने, 468 ये मटेरियल खरीदा था, और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज एंड कंज्यूम, कितना मटेरियल फाइनली कंज्यूम हुआ है, लगा कितना है, एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी लगी है हमारी, 104,000 हमारी क्वांटिटी लगी है। तो यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल में लिख देती हूँ ये अमाउंट, वेट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एक्चुअल में कितना लग रहा है ये, 104
000 ये मेरा वहाँ पे गिवन था कि एक्चुअल में इतनी चीज़ें मैंने कंज्यूम करी हैं। ठीक है, अब मेरी एक चीज़ बच रही है, क्या बच रही है? एपी। एपी फ्रेंड्स मैं कहाँ से उठाऊँ? देखो क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से, टाइम नहीं वेस्ट करना है मेरे को, फटाफट क्वेश्चन में आ जाती हूँ। यहाँ लिखा था कि एक्चुअल प्राइस कितना है, 4.50, तो बस यहाँ पे एपी के सामने 4.50 लिख दो। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये वेरिएबल फाइंड करने थे, अब मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है गाइज, एमपीवी निकालने को कह रही है। अब एमपीवी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है एमपीवी का फॉर्मूला हमारे पास, क्या है? एसपी माइनस एपी, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एक ही। इसको सॉल्व करो फटाफट से, देखते हैं क्या वैल्यूज आती है मेरी। एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, लिख दो फटाफट से, टाइम ही नहीं वेस्ट करना है भाई हमें पेपर में, सिर्फ मेरे को फॉर्मूले पता होने चाहिए। पूरी आरसी सॉल्व हो रही है इजीली, ठीक है ना, तो बस सॉल्व करी मैंने और ये आ गया मेरा 52,000 आंसर। अब आप देख लो कहाँ पे आपको दिख रहा है 52 आपको आंसर, आपको समझ आ जाएगा आपका आंसर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स मेरा आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर डी आंसर हो गया, क्योंकि 52 मेरा वहीं पे ही शो हो रहा है, दैट्स व्हाई मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, 52 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इसी आरसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा था मेरा एमक्यूबी निकालने को, क्या कह रहा है ये हमसे निकालने के लिए, एमक्यूबी। अब एमक्यूबी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ फटाफट से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट में हम क्या लगा देते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। क्या लगाते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। वैल्यूज रखो फटाफट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी मेरी, 1 लाख की थी, है ना। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, 1,04,000 की थी। स्टैंडर्ड प्राइस कितने के थे, 5 रुपये के थे, यही तो था मेरा क्वेश्चन, और था ही क्या। तो बस सॉल्व करो फटाफट, इसे माइनस कर लो। सॉल्व करा मैंने तो मेरा आंसर कितना आ गया, 20,000 कितना का आ गया, अनफेवरेबल। माइनस आ रहा है ना, तो माइनस के केस में ये क्वेश्चन कौन सा बन जाता है, अनफेवरेबल का, मतलब जो मेरा डेविएशन आया है वो डेविएशन मेरा आया है निगेटिव में, दैट्स वाई इसका आंसर क्या बन जाता है। देखो 20,000 हमें दे रखा था यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या बन गया, सेकेंड इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मुझे इस आरसी में भी टफ कुछ नहीं लगा था, आरसी देख के बस बच्चा इसलिए घबरा जाता है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में, मैं इसलिए अगर मैंने भी देखा पहली बार तो थोड़ा बहुत थोड़ा परेशान हो जाता है। बट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में बुक का ही है एंड यू विल गुड टू नो दिस कि अगर हमने ये चीज़ कर रखी है ना तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इन चीज़ों में से क्या निकालना है, मैंने आपको जो बताया ये 4 वेरिएबल फाइंड कर लो बस, उसके बाद मेरा क्वेश्चन इतना इजी बन जाएगा ना कि आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो इतने इजी थे एंड वी आर फॉरगेटिंग कि हम ये नहीं करना है। मतलब मैं ये सोचे चल रही थी कि मैं छोड़ के आऊँगी, क्यों छोड़ना है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला समझो, अप्लाई करो, दैट्स इट। बस ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फाइनल इस आरसी में से मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट करी, आप देखो ये चीज़ें फाइंड आउट करी, आंसर मेरा अपने आप आ गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इतनी बात याद रखना कि पर यूनिट में जितनी भी क्वांटिटी मैंने सोच के रखी है कि एक यूनिट बनाती हूँ तो मुझे इतनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी मटीरियल की, तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल आउटपुट से, ठीक है फ्रेंड। अब मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया है, आई जस्ट होप कि आप इस क्वेश्चन को करके मेरे को कमेंट करोगे कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। ये आपका रहता है होमवर्क के लिए, और इन केस अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो आप मेरे को बताइएगा, मैं चाहे वो नेक्स्ट जो वीडियोस की नेक्स्ट वाली आने वाली है उसमें ये क्वेश्चन करा दूंगी। वैसे मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि आपने अगर ये क्वेश्चन अच्छे से करें तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली अप्लाई कर जाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि आपको आज का क्लास भी अच्छी लगी हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप शेयरिंग द वीडियो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके लास्ट टाइम पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।